हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है मेरे लैंसेट चैनल पे, जहां मैं आपको मोबाइल ऐप्स के बारे में बताता हूं। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बेहतरीन और बहुत ही अच्छा ऐप लेके आया हूं। इस ऐप से आप बिना किसी एडिशनल चार्ज के, बिना कोई भी पेड मेंबरशिप खरीदे इंग्लिश सीख सकते हो। बहुत सारे ऐप हैं, काफ़ी सारे ऐप हैं जिनसे आप इंग्लिश लर्निंग कर सकते हो, अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हो, लेकिन उनका कुछ ना कुछ चार्जेज है, चाहे 100 है, चाहे 1000 है, कुछ भी है, लेकिन वो लोग कुछ ना कुछ हमसे चार्ज कर रहे हैं। ये लॉकडाउन चल रहा है, अभी लॉकडाउन फिर से बढ़ गया है रेड जोन इलाकों में, तो क्यों ना हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी करें। और वो ऐप ऐसा है कि उसमें आप गेम खेलने के साथ साथ अपनी स्पीकिंग अच्छी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हर बार की तरह प्ले स्टोर से वो एप्लीकेशन हम डाउनलोड करते हैं। उस एप्लीकेशन का नाम है Duolingo, Duolingo, ये इस ऐप का नाम है। ये टाइप कर लीजिए, ऐप ओपन होकर हमारे सामने आ गया है, मैंने इंस्टॉल कर लिया है और आप लोग भी इसको इंस्टॉल कर लें। इसको आप लोग देख सकते हो 4.7 रेटिंग मिली हुई है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी रेटिंग है। 9 मिलियन लोगों ने इसका रिव्यू किया है और 100 मिलियन प्लस लोग इसे डाउनलोड भी कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप अभी बहुत पीछे हैं, तो कर लीजिए इस ऐप को डाउनलोड। और इसके कुछ फीचर्स जो नीचे दिखाए गए हैं वो हम देख लेते हैं। तो चलिए फीचर्स देखते हैं। ये थे इसके कुछ फीचर्स जो ऐप के अंदर दिखाए गए हैं। और सबसे अच्छी बात है, ये ऐप आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे मिल जाएगा, और इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ऐप को कर लेते हैं ओपन। ये ऐप मैंने ओपन कर लिया है, तो इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रीन में है एकदम से। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके अंग्रेजी सीखें, हिंदी से, स्पेनिश से, फ्रेंच से, जर्मन से, इटालियन, जापानी, चाइनीज, रशियन, कोरियन, काफ़ी सारी हैं, बहुत हैं उनसे। तो हमें सीखनी हिंदी से, तो हम क्लिक कर लेते हैं ऊपर। ओके प्रेस करने के बाद ये नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आप भाषा किस चीज़ के लिए सीख रहे हैं? संस्कृति के लिए, नौकरी के अवसर के लिए, दिमाग की कसरत, पढ़ाई, यात्रा, परिवार और दोस्त? तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी अन्य कर लेता हूँ एक बार। एक लक्ष्य चुनें, आसान, साधारण, गंभीर, ज़बरदस्त। आप किस तरह की इंग्लिश सीखना चाहते हैं? तो साधारण ही चलने देते हैं अभी। अपना रास्ता चुनें, क्या आप पहली बार अंग्रेजी सीख रहे हैं? शुरू से शुरू करें, पहले से थोड़ी अंग्रेजी जानते हैं, अपना स्तर यहाँ देखें। आप अगर जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो तो जीरो लेवल से भी ऐप आपको इंग्लिश सिखाएगा, तो हम भी जीरो लेवल से देखते हैं एक बार क्या होता है। एक पार्ट के बाद आपको उसके जो भी वाक्यांश याद हो उन्हें लिखें, ठीक है, लिखेंगे। ये तो एक सलाह दे रहा है हमको कि ऐसा करना है जिससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो। लड़की का अनुवाद चुनें, गर्ल, ठीक है। इस तरह से आपसे कुछ पूछेगा और आगे बढ़ सकते हैं। मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनका मैंने आंसर दे दिया है। अब हम अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो आप अपनी इसमें प्रोफाइल बना सकते हैं। प्रोफाइल बनाने के लिए क्लिक करें, अपनी एज डालें, या फेसबुक और गूगल से आप डायरेक्ट भी इसमें लॉगिन करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो मैं फेसबुक से क्रिएट करके अपना अकाउंट बना लेता हूं। इसका कुछ परमिशन मांगेगा जो देके इसका अकाउंट हम क्रिएट कर लेते हैं। ये अकाउंट तो मैंने क्रिएट कर लिया, ये हमने लॉगिन कर लिया है और इसका ये होम स्क्रीन पेज ओपन हो चुका है। ऊपर यहाँ फ्लैग दिख रहा है जहाँ दो तरह के ऑप्शन है, हिंदी और इंग्लिश। तो अभी हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इंग्लिश पे क्लिक कर दिया, हिंदी पे क्लिक कर देंगे तो हम इंग्लिश हिंदी सीखना स्टार्ट कर देंगे। ये इसके डे हैं, पहले शब्द, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो यहाँ से हम डे वाइड अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके ये हमारी प्रोफाइल ओपन हो जाती है, जहाँ सारा कुछ रहेगा, इनाम लें, सारा कुछ, अग्निपथ की कितना हम गेम में कितना बढ़ रहे हैं, कितना आगे चल रहे हैं, मुकाबला जब आप 9 पेज इनके कंप्लीट कर लोगे, 9 लेसन, उसके बाद आपके यहाँ कंपटीशन होने लग जाएंगे लोगों के साथ, तो वो भी हम कर सकते हैं। राजसी, ये चीज़ें हैं, ये ऐप है कि इसमें ये सारा आपको टैग मिल जाएगा, अग्निपथ और ये संत जो भी हैं, विद्वान। ये टैब आपका जो ऊपर दिख रहा होगा फायर का स्क्रीन, यहाँ ये आ जाएगा। उसके बाद वो बाजार में जाके, स्टार में जाके पारी बचाएं, दुगना या कुछ नहीं, अंग्रेजी सूट, इन चीज़ों को हम कौन से परचेज कर सकते हैं।
तो ये था ये ऐप, मुझे तो काफ़ी पसंद आया कि गेम के साथ, गेम खेलते खेलते हम इंग्लिश लर्निंग अपनी अच्छी कर सकते हैं। तो ज़रूर इस ऐप को इंस्टॉल कर लें, और आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है ये ऐप, तो कर लें अभी इसको इंस्टॉल। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू गाइस।